तो इंडिगो से ट्रैवल किया है आपने, दिल्ली से सिंगापुर वाया कलकत्ता। तो एक वो एसजी अराइवल फॉर्म है सिंगापुर जाने के लिए। ना जिस वक्त हमने रिटर्न टिकट तो थाईलैंड की थी ना, मतलब सीधा थाईलैंड हाँ के मतलब लिए गए आपने थे हम आगे के दिखा दिया, आपने थाईलैंड ट्रैवल किया है राइट, साथ में। सिंगापुर। होटल के अभी क्या प्राइस है भाई अभी के टाइम में, एक्सपेंसिव है या एवरेज है क्या है? वेलकम बैक टू द चैनल, मैं रोहन भैया जीवान आपका स्वागत करता हूँ। तो भाई काफ़ी रिक्वेस्ट आती रहती है अलग अलग कंट्रीज़ की, तो अभी मोस्टली एशिया में सारी कंट्री ओपन हो चुकी हैं, और वहाँ पे ट्रैवल करने के रूल्स डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। सिंगापुर अभी ट्रैवल किया था, और सिंगापुर के काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं लोग कि आप वीडियो बनाओ और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स का पता चले, सिचुएशन का पता चले कि क्या है वहाँ पे अभी। तो रिकी है मेरे साथ, रिकी ने ट्रैवल किया है सिंगापुर, और सिंगापुर के साथ इन्होंने एक और कंट्री भी ट्रैवल किया, तो सारी ये डिस्कस करेंगे। अगर किसी को ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है तो उसके लिए भी ये चीज़ बढ़िया है, बढ़िया ऑप्शन है मतलब। तो रिकी भाई, आज है जैसे 2nd of May, आज के टाइम में अभी रिसेंटली आप ट्रैवल किया है आपने, तो आज के टाइम में मुझे सिंगापुर ट्रैवल करना है, तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने पड़ेंगे? सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट्स बताओ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स। उनकी रिक्वायरमेंट है एक $3,000 की, जो अच्छा शो मनी करनी है ना, तो $3,000 शो करने पड़ेंगे उनको। हाँ अच्छा शो करने पड़ते हैं। जी बिल्कुल, मतलब सेविंग ही दिखानी पड़ेगी आपको अच्छा बेशक मतलब बैंक अकाउंट रिसेंटली। में हो तो कोई इशू नहीं है ना, बैंक अकाउंट में हो तो कोई इशू नहीं है। इशू नहीं है अच्छा, तो डॉक्यूमेंट्स एक बार बताओ मुझे डॉक्यूमेंट्स। एक तो वीज़ा हो गया सिंगापुर का, जी, वीजा हो गया, और रिटर्न टिकट हो गई, टिकट, होटल बुकिंग मेरी पेड थी, ट्रैवल होटल बुकिंग आपकी पेड थी, और ट्रैवल इंश्योरेंस था। था। तो इंडिगो से ट्रैवल किया है आपने, दिल्ली से सिंगापुर वाया कलकत्ता। तो कलकत्ता, कलकत्ता हाँ वाया कलकत्ता आपने ट्रैवल किया है, तो इंडिगो आपकी एयरलाइन थी। तो दिल्ली में तो चलो कलकत्ता तो डोमेस्टिक फ्लाइट हो गई आपकी। कलकत्ता में जब आप बोर्डिंग लेने गए तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट थे इन सब के अलावा, कुछ अलग? एक तो होटल बुकिंग चेक की उन्होंने, रिटर्न अच्छा चेक करिए, ठीक है। टिकट चेक की, ओके। तो बस यही दो दो डॉक्यूमेंट चेक की अच्छा उन्होंने। वो अच्छा एक एसजी अराइवल फॉर्म है सिंगापुर जाने के लिए। ना जिस वक्त हमने दिल्ली से मतलब कोलकाता के लिए करना था ना हमने, ट्रैवल करना था। हाँ जी, तो जो स्टाफ है उन्होंने हमें से पूछ लिया कि आपके पास एसजी अराइवल फॉर्म है, तो ठीक है, हमने मना कर दिया। क्यों? खुद ही अच्छा अप्लाई किया था ये मैंने अप्लाई नहीं किया था, एजेंट की मदद, ठीक है तो उन्होंने खुद भर के दिया हमें। उन्होंने खुद ही कर दिया। मतलब कहने का कि ये कोई कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, एसजी अराइवल फॉर्म है सिर्फ, है ना? हाँ, वो बोल रहे थे कि आपको कलकत्ता में जाके प्रॉब्लम होगी अगर आपने यहाँ फिल नहीं किया था ना, तो कलकत्ता में जरूर आप मांगेंगे क्योंकि वो। क्योंकि क्योंकि एंट्री तभी मिलती है बंदे को जब वो एसजीए पे रजिस्टर कर देता है। जी, एसजी अराइवल और मेरे हिसाब फॉर्म से मैंडेट 5 मिनट का काम है ना, 5 मिनट का काम है, कोई ज़्यादा मुश्किल थोड़ा नहीं है। सा हमारे पास लगभग 30 से 40 मिनट ही रह गए थे फ्लाइट उड़ने का, तो हम 3 पर्सन थे, तो उन्होंने खुद ही फील कर दिया, खुद ही फिल कर मतलब दिया। हम लास्ट पैसेंजर, हाँ, इसलिए उन्होंने फील कर दिया। तो कितना टाइम लग गया होगा उसको उन्होंने फिल करने में बस एसजी दो अराइवल? से 3 मिनट लगे। बस उन्होंने कर दिया फिल, मतलब वही से होता है इसमें। आपकी पासपोर्ट डिटेल, आपकी होटल की डिटेल, कहाँ पर रुकोगे, कहाँ से डिपार्चर आप कर रहे हो, कहाँ से पे आप अराइव कर रहे हो, तो यही सारी इन्फॉर्मेशन होती है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, ओके ओके, अच्छा चलिए। इतना तो खैर बोर्डिंग वोर्डिंग में और इमिग्रेशन पे तो इंडिया में कितना इशू नहीं आया हुआ सिंगापुर के लिए। नहीं, वैसे कोई प्रॉब्लम थी, स्मूथ ही था इमिग्रेशन तो ओके ठीक है, स्मूथ था। अच्छा चलिए, बिल्कुल। फाइनली जब आप सिंगापुर पहुंच जाते हो तो सिंगापुर में क्या आपका फर्स्ट इम्प्रेशन रहा इमिग्रेशन पे, कैसा इमिग्रेशन है? बस उन्होंने वीजा मांगा और होटल बुकिंग मांगी और रिटर्न टिकट मांगी, बस ये तीनों डॉक्यूमेंट मांगे थे, और ओके, एसजी अराइवल तो कलकत्ता ने देख ही लिया था, अच्छा वो नहीं चेक किया वो हमने, सिर्फ इंडिया में चेक हुआ, वहाँ पे देखा ही नहीं किसी ने। चेक किया। ओके, डॉक्यूमेंट्स बस उन्होंने ये देखे इमिग्रेशन पे। हाँ जी, वीजा, होटल बुकिंग और रिटर्न टिकट, मतलब तो रिटर्न टिकट तो थाईलैंड की थी ना, मतलब सीधा थाईलैंड हाँ के मतलब लिए गए आपने थे हम। आगे के दिखा दिया, आपने थाईलैंड ट्रैवल किया है राइट, साथ में सिंगापुर के साथ आपने थाईलैंड ट्रैवल किया है। अच्छा, तो जो एक चीज़ मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि जो सिंगापुर में जैसे दुबई में कर रखा है स्कैनिंग वाला सिस्टम,
ऑटो फेशियल रिकॉग्निशन वाला सिस्टम, कि भाई आपको सिर्फ पासपोर्ट रखना है और आप निकल जाते हो इमिग्रेशन पे। वो सिंगापुर में हाँ जाते सही। टाइम भी है कि सिर्फ आते टाइम है? नहीं दोनों टाइम में, जाते वक्त भी जाते वक्त भी, ना उन्होंने डिपार्चर की स्टैम्प लगाई ना अराइवल की लगाई उन्होंने। हाँ, अराइवल की नहीं लगाई। हाँ देखो, स्टंप नहीं लगती, बट जब इमिग्रेशन ऑफिसर, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, कहीं बंदों को पता नहीं है, स्टंप नहीं लगी आपकी पासपोर्ट पे, बट जब कोई इमिग्रेशन ऑफिसर आपकी हिस्ट्री, ट्रैवल हिस्ट्री चेक करता है आपके पासपोर्ट नंबर से, तो उसमें शो करेगा कि आपने सिंगापुर ट्रैवल किया है, ये होता है। बिल्कुल लेकिन उसकी स्टैंप नहीं लगेगी आपके ऊपर, ये होता ये अभी। लगी। हाँ, क्योंकि आपका पासपोर्ट ऑलरेडी स्कैन हो चुका है इमिग्रेशन काउंटर पे, तो इसीलिए आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में वो काउंट हो जाता है। ठीक है। अच्छा, तो अभी के टाइम में जैसे इमिग्रेशन तो उनका कोई हार्ड नहीं है सिंगापुर का, सुपर स्मूथ है नहीं मेरे कोई हिसाब हट से, तो एयरपोर्ट से और आपके होटल जहाँ पे भी आप रुके हुए थे वहाँ तक आप कैसे गए? एक एप्लीकेशन यूज होती है ग्रैब, ओके, अच्छा ग्रैब चलती है वहाँ पे, है ना? ग्रैब चलती है, की सहायता से हम होटल पहुंच गए थे। बिल्कुल होटल चले गए आप। और होटल के अभी क्या प्राइस है भाई अभी के टाइम में? एक्सपेंसिव है या एवरेज है, क्या है? नहीं एवरेज ही है, लगभग 1500 से लेके 1800 रुपये में कमरा मिल जाता अच्छा, है इंडियन एक रुपीज़ नाइट में इतना का। मिल जाता है, ठीक ठाक रूम मिल जी जाता है? बिल्कुल बहुत अच्छा था। फिर तो कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है यार, इतने में अगर मिल रहा है तो। फिर तो दुबई की जैसे कंपेयर करें तो दुबई में तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। नहीं उस वक्त दुबई में भी मतलब हम जैसे न्यू ईयर पे गए थे, मतलब ठीक ही थी, एवरेज ही थी, अच्छा। मतलब 2000 क्यों न्यू ईयर के दौरान हो जाता है, थोड़ा ओके, कॉस्टली हो जाता है। ठीक है। तो अभी के टाइम में क्या सिचुएशन है सिंगापुर में कि घूमने अगर किसी को ट्रैवल करना है तो सब खुला हुआ है? काफी मतलब अभी तो बहुत ही कम टूरिस्ट जा रहे हैं ना, अच्छा, तो फुली तो ओपन है घूमने के वैसे? लिए फुली ओपन रेस्टोरेंट वगैरह, होटल्स वगैरह फुली या पब्लिक प्लेसेस जो हैं, फुली ओपन है? ओपन है। ओके। अच्छा, तो अब एक चीज़ और बात करते हैं, अपने थाईलैंड ट्रैवल किया है सिंगापुर के साथ साथ, तो थाईलैंड आपने कैसे ट्रैवल किया? थाईलैंड वैसे ऑन अराइवल वीजा था, जो बिल्कुल। एयरपोर्ट हम फुकेट गए थे सिंगापुर से सीधा फुकेट। फुकेट सिंगापुर से सीधा फुकेट गए थे, तो कितने की आपकी फ्लाइट पड़ी इंडिया से सिंगापुर और सिंगापुर से थाईलैंड, ये बताओ एक बार प्लीज। सिंगापुर से, दिल्ली से सिंगापुर तो हमारी 11,000 की थी, तो ठीक है, ओके। और सिंगापुर से थाईलैंड सिंगापुर से फुकेट की सिर्फ 2300 रुपये की थी। सिर्फ 2300 रुपये की थी, तो मतलब बिल्कुल। बिल्कुल बजट में आपने दो कंट्री ट्रैवल करी है यार। और फुकट से सीधा बैंकॉक गया, ओके, वो 6,000 रुपये की थी। वो 6000 रुपये की थी, क्योंकि फुकेट कर उसका बैंकों का काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, राइट? मतलब 1,000 किलोमीटर के आसपास है, हाँ, डिस्टेंस मतलब काफ़ी 2 घंटे है। की। ओके ओके ओके। तो भाई, थाईलैंड पे ऑन अराइवल वीज़ा था, आपके जाने से पहले अपनी बात भी हुई थी, तो आपने वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिखाई थाईलैंड में? वहां सबसे पहले तो उन्होंने आपके पास 400 सिंगापुर डॉलर होने चाहिए, तो ये सिंगापुर या में देखा या फिर थाईलैंड में देखा उन्होंने? थाईलैंड वालों ने देखा। थाईलैंड वालों ने देखा, सिंगापुर वाले करेंसी जी पूछ रहे थे वो आपसे? नहीं सिंगापुर वालों ने देखा, उन्होंने तो बस टिकट ही देखी थी और होटल बुकिंग देखी नहीं, थी, तो और थाई थाईलैंड वालों ने कौन सी करेंसी पूछी आपसे? सिंगापुर वाली करेंसी? थाईलैंड वो तो कोई इशू नहीं है, अगर आपके अकाउंट में इंडियन मनी भी है तो वो भी चल वो भी जाएगा, चल जाती है मतलब पूरी की पूरी। लगभग अकाउंट में शो कर दो, कोई प्रॉब्लम। इसके अलावा और क्या डॉक्यूमेंट था इसके अलावा? उसके अलावा आपके पास एक फोटो होनी चाहिए पासपोर्ट अच्छा, ठीक है। साइज, हाँ ठीक है। ऑन अराइवल वीजा के दौरान वो मांगते हैं, तो एक फॉर्म फिल कर। थाई पास देखा था आपका? हाँ था सिंगापुर वालों ने भी और थाईलैंड वालों ने भी। सिंगापुर, क्योंकि आपको आगे जाना था तो उन्होंने देखा, और थाईलैंड तो आपको जाना ही था तो उन्होंने चेक करना ही था वो थाई पास। थाई पास में बिल्कुल होता है आपका रिटर्न टिकट, आपकी होटल बुकिंग और आपका ट्रैवल इंश्योरेंस, ये तीन डॉक्यूमेंट लगते हैं उसमें। ठीक है, तो कितने दिन रुके आप थाईलैंड? हम 6 नाइट मतलब ट्रैवल करने के पर्पज़ से अभी कैसी सिचुएशन थाईलैंड में? और आपने जैसे ट्रैवल भी किया फुकेट से, आपने ट्रैवल किया है इधर बैंकॉक, क्योंकि मोस्टली तो बैंकॉक जाते हैं अपने इंडियंस, फुकेट कम लोग जाते हैं, तो आपने जी सीधा बिल्कुल फुकेट ट्रैवल किया है।
थाईलैंड में अभी काफी अच्छा है मतलब अच्छा घूमने के अच्छा अच्छा लिए। फुकेट, मतलब फुकेट एयरपोर्ट से और जहाँ पे भी आप रुके हुए थे वहाँ तक आप कैसे गए? टैक्सी से, फिर वहाँ से, या फिर बस बस से? नहीं, टैक्सी से गए थे हम। अच्छा टैक्सी से गए थे। ओके, तो आप लोग ग्रुप में ट्रैवल कर रहे थे राइट? हाँ माम, तीन ही लोग थे। हाँ तीन ही लोग थे आप। ओके ओके ठीक है, तो मतलब घूमने के पर्पज से अभी थाईलैंड सही है। घूमने के सही है थाईलैंड, ठीक है, मतलब काफी मतलब बजट में ट्रैवलिंग होती और फुकेट से अब 6,000 में पहुंचे हो बैंकॉक। कौन सी एयरलाइन थी? है। वो थाई एयरलाइन थी, थाई थाईलैंड की। लॉयन। तो डोमेस्टिक ट्रेवल में जैसे कंट्री टू कंट्री तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं रिक्वायर्ड होगा? ओके, कोई डॉक्यूमेंट नहीं रिक्वायर्ड हुआ, पासपोर्ट। बस पासपोर्ट दिखाओ और चलो। ओके ओके, मास्क वास्क लगाते हैं थाईलैंड में अभी? हाँ, सिंगापुर में मैंडेटरी था, मतलब थाईलैंड में कोई लगा भी लेता है, नहीं भी लगाता कोई अभी इतना भी नहीं। मतलब। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए रिके भाई, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाल के अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। ये भी काफ़ी लोगों को ओके हेल्प करेगा भाई, कोई भी डाउट रहता है आपका किसी भी कंट्री के ट्रैवल के रिगार्डिंग, जो भी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं लोग यहाँ पे, आप डायरेक्ट आप इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और आप वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हो कि आपको वीडियो कैसी लगी, और इस तरीके की वीडियोस आती रहती चैनल पे, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।